you. Best of me now, best of me. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द रॉयल व्लॉग्स। आज हमारे साथ कोई सुपर बाइक नहीं है, लेकिन उसपे जितना पैसा लगाना इतनी एक्सेसरीज तो सुपर बाइक पे ही लगते हैं भैया। ऑलमोस्ट मान के चलो 80 से 1 लाख रुपए की इसमें एक्सेसरीज अभी ऑलमोस्ट 80 तक की लग गई है और अभी और लगने वाली है तो लाख रुपए तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मामला ये है कि बाइक को आए हुए सिर्फ और सिर्फ हुए पता है कितने दिन, 4 दिन हुए और अभी तक इस पे 80,000 तक का खर्चा लौंडा खर्च चुका। अभी हम है कस्टम मोटर शॉप, आया लौंडा BMW की टी शर्ट पहन के बिकाऊ बिके हुए हैं। तो सर कैसा लग रहा है डोमिनार के बाद ये लेके? प्रीटी गुड और अच्छा लग रहा है काफी। टू बी ऑनेस्ट, ब्रांड को जब ओन करते हो तो ब्रांड ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज व्हाट आई फील एडवेंचर इज द ग्रेट चॉइस अगर आप ये सोचते हैं लेने की, क्योंकि मेरे हिसाब से उस चीज में मजा अलग है। ठीक है, इसमें और ज्यादा कम्फर्ट है, लेकिन द पॉइंट इज कम्फर्ट पावर वगैरह ADV की तरफ है मेरी। ठीक है, क्योंकि मैंने ओन करी है, मैं उस बाइक के बारे में चला के और इसको चला के बता सकता हूँ। तो अब तक क्या फीलिंग है? 4 दिन हो गए। पहले मेरे को ये बता कि तू सब पहले ऑर्डर करके बैठ गया था? कैसे मतलब? बाइक की डिलीवरी से पहले सब ऑर्डर करके बैठ गया था यार, पूरी पूरी लिस्ट बना था। मतलब मेरे पास पहले इसके काफी चीजें पड़ी हुई थी, फिर मेरे को ये था कि इसका और भी स्टॉक लोड करना, तो फिर मैंने ऑर्डर्स अपने तैयार किए थे, उस हिसाब से कंसाइनमेंट मैंने मंगवाया था। देन वी आर गोइंग टू तो द पॉइंट इज कि 4 दिन में आपने 80,000 से ऊपर लगा दिया और इतने में घर चला जाता तो कैसे करा आपने? बस वही आई उसके माइंड तो मेकअप कर ही रखा था कि नेक्स्ट डे से वर्क स्टार्ट। तो द पॉइंट इज इसका क्या है, इसने अपने डोमिनार भी बहुत ज्यादा लोडेड कर रखी थी, तो ये भी इसने लोडेड रखी है। अब एट द सेम टाइम बोलू कि ADV लेना बेटर था, बाकी अब वीडियो चलते हैं। ओके, सो द पॉइंट इस बाइक में अभी तक काफ़ी सामान लग गया है जो कि आपको दिख रहा है। स्पेशली मेरे को बाइक में सारी चीज़ें छोड़ो, मेरे को ये बहुत प्यारी लगी, ये बिल्कुल 1250 की फीलिंग दे रही है, पूरा ऐसे वाइब दे रही है 1250 है। ठीक है, लेकिन आज हम बात करने वाले बाइक पे क्या क्या इजीली लग गया है और क्या लगना बाकी है, वो पहले बताओ लगना क्या बाकी है। तो मैं इस ब्रांड को मानता हूँ क्योंकि मैंने इजिली अपनी Z900 पे पिछली पे यूज करी है और अभी भी मेरी जो छोटी वाली विंडशील्ड है वो प्यूज की है और साथ ही साथ जो बड़ी वाली है वो उसी की कॉपी है। तो द पॉइंट इज प्यूज इज अ वेरी नाइस ब्रांड और ये विंडशील्ड अराउंड कितनी बड़ी? 10,000 अराउंड, नहीं मतलब 10,000 की अगर आप इसको देखो तो। ओके, सो विंडशील्ड के साइड में अगर बात करें तो जो अच्छा लुक दे रहा है बाइक को वो है बगबस्टर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप कोई भी एडवेंचर बाइक ओन करते हैं, बिकॉज सिंपल सी बात यही है, सिर्फ एक बात है कि अगर ये गिरती है, एक चीज के बगैर बाइक नहीं चल सकती, वह है लिवर्स, और लिवर्स को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भी Z900 पे देखा होगा मेरी कि मैं कभी भी जो है प्रोटेक्टर नहीं छोड़ता, जब मैं ले पे गिरा था तो इन प्रोटेक्टर ने ही मेरे लिवर बचाए थे और मैं दिल्ली तक आ पाया था। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी बाइक और ये अगर अच्छी क्वालिटी में आप लगवाओगे तो बेटर। अगर उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रांडिंग भी काफी अच्छी है, ठीक है, तो ये आपको इजिली इसकी शॉप पे भी मिल जाएगा। उसके बाद एक और एक्सपेंसिव थिंग के बारे में, दो एक्सपेंसिव थिंग एक ही जगह पे बात करें, वो है इस बाइक के क्रैश गार्ड प्रोटेक्टर्स जो कि बाइक के बहुत ही ज्यादा अपीलिंग लुक दे रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ से लुक दूं ना, लुक एट दिस मिनी GS 1250 है, एक बार इसको ऐसे लुक से देखो, बिल्कुल वैसी लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अल्फा लाइट लगी हुई है, तो ये मैडॉक की जो है प्रीमियम लाइट है, इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं है इंडिया में। और साथ ही साथ द पॉइंट इस बाइक पे काफी ज्यादा अपीलिंग लुक आ रहा है और ये जो क्रैश गार्ड है, तो आप जो ये क्रैश गार्ड देख सकते हो, यहाँ पे आपका इंजन प्रोटेक्टर भी आ गया और साथ ही साथ बॉडी प्रोटेक्टर भी आ गया और ये जो है इसके पास क्रैश गार्ड अवेलेबल है, ठीक है, कस्टम मोटर शॉप, ठीक है, और ये आपको अंडर 20 मिल जाएंगे। और लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस गार्ड्स जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी बॉडी को। ऑफ कोर्स BMW की बात है तो भैया प्रोटेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज भैया पैसा बहुत लेगी है। और इसमें अगर हम 3 एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन की बात करें, जो कॉकपिट एरिया होता है ना अपना, जिसमें हम जो है बाइक को देखते और चलाते हैं, तो
सबसे पहली बात तो ये अपना मोबाइल माउंट आ गया, जहाँ मतलब मोबाइल होल्डर माउंट कह सकते हैं इस पर, कि इस पर मोबाइल होल्डर लगेगा जो कि बिल्कुल आपको 1250 की फीलिंग देगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप स्विच देखो तो स्विच भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लगाया है इसने, और साथ ही साथ जो कि एक एडवेंचर कैटेगरी बाइक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है हैंडल राइजर्स जो कि इसने लगा रखे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बिकॉज आपके शोल्डर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए वाइल यू आर ऑन लॉन्ग राइड। उसके बाद मैं उनमें से हूँ जो ओ रिंग को यूज़ करता है क्रूज कंट्रोल के लिए, लेकिन इसने क्रूज कंट्रोल ये वाला यूज़ करा है, प्रॉक्सपेक्स ईजी क्रूज जो है स्पेशली GS के लिए आता है, और ये जो है स्पेशली क्रूज कंट्रोल है इस बाइक के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इसने ये भी लगा लिया, क्योंकि लॉन्ग राइड पे ऑफकोर्स बात है भैया हाथ थक जाते हैं कितना खींचोगे इसको ऐसे करते करते। उसके बाद अगर आप टैंक पैड देखो तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा रखा है इसने, तो ये आ गया कॉकपिट का एरिया जो इसने बहुत ही अच्छा बना रखा है, जब ये चलाएगा इसको लिटरली काफ़ी अच्छी फील आएगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि मिरर और अच्छा डाल सकता है, और अगर राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें जो कि इसने अपने आप को प्रोटेक्ट कराया है लॉन्ग राइड्स के लिए, वो जो है ये जो है ना ब्रेक का पैडल जो इसने बड़ा कर दिया, एक्सटेंडर लगा दिया इस पर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसका पैर काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा यहाँ पे, और ये सारी एक्सेसरीज ना इसके पास अवेलेबल थी तो इसने 4 दिन में फटाफट से लगा दी। लाइक आप ये भी देखो कि स्टैंड एक्सटेंडर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी पिछली वाली Z900 पे लगा था तो बाइक कई बार ऐसी जगहों पे फंसी थी जहाँ पे जो है बाइक धस ही नहीं, और जब अभी इसमें पैनल्स लगने बाकी हैं तो बाइक पे और वेट आ जाएगा तब ये चीज़ बहुत काम आती है क्योंकि ये ईजिली धसती नहीं है। तो दिस इज़ द मेन थिंग, जो दो चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी जो उसने करी है। साथ ही साथ यहाँ पे रियर स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं ताकि बाइक की जो पीछे का एरिया है अगर कहीं पे भी भगवान न करे इम्पैक्ट होता है तो पीछे की साइड से भी बाइक बची रहे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बाइक को एक अच्छा काफ़ी लुक दे रहे हैं। एंड कंपनी की तरफ से एक चीज़ आ रही है जिसपे मेरे को बहुत चैलेंज से फील हो रही है, आपको मेजलर 150 टायर मिल रहा बाइक के अंदर, लिटरली 140 मिलता है उस एडवेंचर पे, और मैंने उस बाइक को पूरा लेटाया, मेरे को फील नहीं आया लीनिंग वीनिंग की, तो एक बात से मैं काफ़ी खा पाऊँ कि भैया इसमें अगर BMW दे सकता है तो प्लीज़ KTM ग्रो अप। और अगर हम बाइक के लोअर की बात करें जो सबसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग में इम्पैक्ट करता है वो है जो है हमारा बैश एरिया, बैश प्लेट, और ये 8mm की बैश प्लेट इसने लगवाई है अपनी साइड से, जो कि बाइक को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। जब मैं ADV ऑफ रोड पे लेके गया था ना स्पीति वाले रास्ते में, वो सबसे ज़्यादा उसका प्लास्टिक का वही टूटा था, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेटल से बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद साथ ही साथ हम रेडिएटर ग्रिल की बात करें, हनीकॉम डिज़ाइन पे है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। अल्टरनेटर गार्ड भी लगा हुआ है ऊपर, जो कि बाइक को पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है ऊपर से नीचे तक, कि आपकी बाइक कहीं पर भी हो इतनी श्योरिटी है कि उसको कुछ होगा नहीं इन सब चीज़ों की वजह से। हेलो भाई, बढ़िया भाई, डल गया भाई। इफ़ यू ओन एडवेंचर कैटेगरी बाइक ना, आप सबसे बड़ी गलती उस पर ना बैठते हुए कर रहे हो, हमेशा एडवेंचर कैटेगरी पे बाइक, एडवेंचर कैटेगरी बाइक पे ना ऐसे उठ के बैठने की आदत डालो, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। साउंड नोट इट्स वेरी सिंपल, जैसे कहते हैं उस पर कोई चेंजेस नहीं है, 310 में आपको यही मिलता है, ठीक है। साउंड नोट की बात नहीं करते, बाइक पुरानी हो गई है तो हम ये नहीं कह सकते आप इसमें आप ये चेक करिए, नहीं, हम एक्चुअली चेक करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन बाइक में, कि मॉडिफिकेशन कैसे स्टैंड आउट करती है इस बाइक को अलग से, ठीक है। देखो पहली बात तो मॉडिफिकेशन की वजह से राइडिंग एक्सपीरियंस वेरी कम्फर्टेबल नाउ, अगर आप देखो बिल्कुल मेरा शोल्डर ना बिल्कुल सही हाइट पे है, जो है बिल्कुल ऐसी परफेक्ट होना चाहिए लॉन्ग राइड पे, और आपको ज़रा सा भी जिसे कहते हैं ना आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हाँ Z900 की आदत हो गई है इसलिए मैं उसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है। अगर हम बाइक की बात करें, विंडशील्ड की वजह से मेरे को बिल्कुल भी एयर महसूस नहीं हो रही है, यहाँ से एयर आ रही है यहाँ से और ऊपर से कट रही है मेरे हेलमेट से, तो दैट्स ए वेरी नाइस थिंग जो कि बाइक पर हो रखी है। ओके, इसने परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं करा है क्योंकि वो फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है ना, तो परफॉर्मेंस तो सेम ही मिलेगी, जैसी पावर थी वैसी मिलेगी, बस बाइक का कंफर्ट, बाइक में फीचर्स उस हिसाब से बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस विद GS, पहले चलाई है बट इतनी ज़्यादा
इतनी ज़्यादा हार्डली नहीं चलाई है, सस्पेंशन बहुत स्मूथ है यार, मतलब आपका हाथ नीचे हो जाता है पूरा, इट्स लाइक ये देखो पूरा पूरी बॉडी नीचे हो जाती है। और इसकी अगर सैडलिंग की बात करूँ, अगर आप एक बार देखो तो बिल्कुल मेरे जो है बढ़िया हाइट पे आ गई है, क्या बोलते हैं हैंडल्स। तो बाइक इज़ परफॉर्मिंग एक्सीलेंट, और जो इसने ब्रेक पैडल पे जो एक्सटेंडर लगाया वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मेरे को मज़ा आ गया। ठीक है, उसके अलावा जो भी एक्सेसरीज हैं वो तो उससे पता चलेगी, क्या बोलते हैं जब ऑफ रोड करेंगे इससे, इसको प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो ही पता चलेगा। ओके, सो मैं BMW की ना एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि जो लाइट क्वालिटी इन्होंने बाइक पे दी है ना इस वाले पे, आज सैटरडे मार्केट नहीं है, ठीक है फ्राइडे है। ओके, सो जो क्वालिटी दी है वो लाइट की काफ़ी अच्छी है, अगर हम अल्फा को भी साइड रखें तो ये देखो काफ़ी अच्छी लाइटिंग आती है, आपको दिख नहीं रहा होगा बट काफ़ी हद तक देखो लाइटिंग जला देती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को मज़ा आ गया। और अगर हम अल्फा जलाते हैं यहाँ पे, अभी सेटलमेंट नहीं हुई है उसकी, इधर उधर नहीं हुई है तो इसलिए आपको दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से। और अगर हम ये भी जला दें तो थ्रो पता चल रहा है, दिन में पता चल रहा है कि कितना थ्रो है, सो रियली नाइस गाइस। और मैं पता एक फन फैक्ट बताऊँ, मैं इस बाइक को मैंने कल शाम को चलाया था, इस बाइक को चलाने के लिए मेरी हाइट थोड़ी अच्छी है अंशुल से, उसने अपने हिसाब से करवा रखे है, मेरे को ज़्यादा मज़ा ना बैक सीट पर आ रहा है इसको चलाने में, मतलब मैं बैक सीट पे बैठा हुआ अगर आप देखो तो, एंड आई एम इन्जॉय राइड इन दिस बाइक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप ऐसी चाहते हो, ऐसी मॉडिफिकेशन पे हम वीडियो बनाते रहें, तो डू लाइक दिस वीडियो जिससे मोटिवेशन आए, ठीक है, एंड कमेंट डाउन बिलो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कौन सी बाइक पे चाहिए, क्योंकि थैंक्स टू दी गॉड हमारी आर्मी गैंग बहुत बड़ी है और वी हैव पीपल अराउंड अस जो कि हमारी हेल्प करते हैं कॉन्टेंट बनाने में, ठीक है, पावर भी इनफ है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो आई एंजॉयड राइडिंग दिस बाइक आफ्टर द मॉडिफिकेशन, विदाउट मॉडिफिकेशन नहीं, एडवेंचर मेरे हिसाब से इज़ अ नाइस पैकेज ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि टॉर्क बहुत ज़रूरी है भैया ऑफ रोड के लिए, ठीक है, इसका भी अच्छा है, सही भाग रही है, देख रहे हो लीन भी सही हो रही है क्योंकि 150 टायर है ना, लेकिन माय हार्ट से ऑलवेज एडवेंचर, देखो द वे आई कट द बाइक दैट्स रियली नाइस, कटिंग रेडियस इज वेरी गुड, सो काइंड ऑफ आई लव दिस बाइक फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लव इट, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट अबाउट दिस बाइक एंड दी थिंग्स यू वॉन्ट मोर इन दिस बाइक, आई होप यू लव दिस वीडियो, लाइक शेयर, ठीक है, अगर आपका कोई ग्रुप है राइडिंग ग्रुप है उसमें शेयर करो, ठीक है, कि हम भी है जो ब्लॉग बनाते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ये थी GS 310, जिसमें जो है मान के चलो 80,000 से, मेरे पास बिलिंग है मेरे पास दिखा नहीं सकता ऑफकोर्स, लेकिन 80,000 से ऊपर का सामान लगा हुआ है और अभी और लगना बाकी है, तो दैट्स रियली नाइस कि आप जो है काइंड ऑफ जिसे कहते हैं बजट बाइक्स में जो है आप इतनी मॉडिफिकेशन करके उनको थोड़ी और प्रीमियम बना सकते हो, तो पीस।